नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। क्या कोरोना की वैक्सीन लगाने से आदमी चुंबक बन जाता है? क्या यह है मैग्नेट मैन की कहानी? क्या है इसमें सच्चाई? दोस्तों, देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अपने सुजलांचल क्षेत्र के भी लाडनू में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। कन्हैयालाल सोनी के शरीर पर लोहे के चम्मच, सिक्के, चाबी इत्यादि सामान चिपक रहे हैं। लाडनू आदर्श विद्या मंदिर के समीप रहने वाले 44 वर्षीय कन्हैयालाल सोनी के शरीर पर बहुत बार ये प्रयोग किया गया। उनके हाथ और पेट पर भी लोहे की वस्तुएं चिपकाई गई, परंतु यह अनोखा अनुभव देखने को मिला जिसमें वह एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 23 मई को उन्होंने अपना पहला डोज लगवाया था। टीवी पर समाचार सुनते ही उन्होंने अपने ऊपर यह प्रयोग किया कि क्या सच में वैक्सीन लगाने के बाद आदमी चुंबकीय हो जाता है। यह प्रयोग करने के बाद वो हैरान रह गए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नासिक और राजस्थान के कोटा में भी ऐसे केस सामने आए हैं। इन पर अभी तक वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा हुआ है इसकी कोई पुख्ता स्टडी नहीं हुई है। सामान्यतः कुछ मात्रा में विद्युत चुंबकीय तरंग के शरीर में रहती है, परंतु इतनी तीव्रता के साथ वह कभी नहीं देखी जाती। इसके लिए अभी तक कोई उच्च स्तरीय स्टडी भी जारी नहीं हुई है। चलिए सुनते हैं कि यह वैक्सीन लगवाने वाले कन्हैयालाल सोनी, जिनके ऊपर यह चुंबकीय प्रवाह हो रहा है, उनका क्या कहना है। लाडनू, मेरे भाई पास सर्जरी हुए 2.5 साल हो गए हैं और कोविड शील्ड वैक्सीन 23 तारीख को लगवाई थी। उसके बाद शरीर पे लोहे की चीज़ें चिपक रही हैं।